अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान भी आपको सबका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और आज हम जा रहे हैं इफ्तारी पे, क्योंकि बहुत टाइम से कहीं बाहर नहीं गए थे। तो अभी मैं जो एक कपड़े मैंने निकाले थे अपने वार्डरोब से, तो ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ। ये एज इट इज़ मैंने मार्केट से लिया था, यहीं से सिला बुटीक से। तो ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ मैं, और इसका जो स्टफ़ है वो बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट है, यानी कि समर में भी आप इसको वेयर कर सकते हो, आप इसको जो है विंटर में भी कर सकते हो। इसका ये देखिए नीचे ऐसे इस तरह से, ये जो स्लीव्स हैं वो इस तरह से काफ़ी जो है खुले हैं। आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जी, खुले जो स्लीव्स का, बहुत ज़्यादा खुले स्लीव्स का ट्रेंड हो गया। लेकिन ये इतने नहीं हैं, नॉर्मल हैं, ज़्यादा नहीं हैं खुले। कि एम्ब्रॉयडरी जो है वो रेड एंड वाइट कलर में है, बहुत प्यारा सा जो है ना मेहंदी सा कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है। और साथ में इसका जो ट्राउज़र है वो देखिए, इसका स्टाइल मैं आपको दिखा दूं, कोई बनवाना चाहे तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में, आप जिसको जो है समोसी या इस तरह से कुछ बोलते हैं, आई थिंक ये लगी हुई है। सेंटर में जो है ये थोड़ा नेट और गेंदा टाइप कपड़ा है, और ये नीचे फिर इस तरह से है। तो ये देखिए इस तरह से जो है, अभी मैं चेंज करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। और साथ में मैंने सोचा है कि इनमें से ये देखिए रेड भी मैं पहन सकती हूँ, और ये मल्टी कलर में है, क्योंकि ये भी मैंने अभी न्यू ही लिए हैं, आज शायद फर्स्ट टाइम पहनूँगी। तो मैंने सोचा इसके साथ मैच हो रहा है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या पहनते हैं जी। अभी देखें ये वाला है, ये वेलवेट में है मरून कलर, और ये मल्टी कलर में। क्योंकि हानिया हानिया कहाँ जा रहे हो बेटा? पिज़्ज़ा खाने। हाँ, हानिया जो है अफ्तारी पे जा रही है, और ये रेडी हो गई। हानिया सही से बेटा, सही से। देखो हानिया की तबीयत खराब थी ना, तो हानिया कितनी वीक वीक लग रही है। हानिया सही से बेटा, सही से, ऐसे करो, ऐसे फीट को ऐसे करो थोड़ा सा। ऐसे हानिया, ये देख हनी, आई एम रेडी, मैं तैयार हो गई और बस अब हम जा रहे हैं। मम्मा आपने ना लीड हमें भी करवाने को। अच्छा चलो 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 चलो। अच्छा आप जल्दी, फिर लेट हो जाएंगे। हानिया अफ्तारी करने लग गया, डेट्स रखी हुई हानिया ने अपने पास। ठंडा तो नहीं है बेटा ज्यादा? थोड़ा साइड है पानी का, ये लो पियो पियो। ज्यादा हॉट तो नहीं है? इनके करीब करो प्लेट। समझने वाली होती है, समझने वाली पता है ना बातें कौन सी होती है। नहीं कैचअप में बात वो
ये वाला लॉक किया था। हाँ जी, अब हम वापस आ गए हैं। यहाँ पर कोई इतनी ख़ास वो नहीं होता अफ्तारी का जो अरेंजमेंट है, बस बच्चों ने बहुत ज़िद की थी कि बाबा हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो इसलिए हम लोग गए थे। तो वहीं पर हम लोगों ने जो है अफ्तारी कर ली, जिसमें उन्होंने जो है जामे शीरी और डेट्स वगैरह थी, हमने अफ्तारी कर ली। और वहीं पर हम लोग जो है बच्चों को पिज़्ज़ा और नगेट्स वगैरह खा के आ गए अब। और ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा, आज थोड़ा सा बाहर निकले थे, काफ़ी दिनों से घर में थे, तो मेरे हस्बैंड कहते चलो यार आज ना बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनकी इतनी बिजी रूटीन है ना कि बहुत कम उनको टाइम मिलता है हमें कहीं बाहर लेकर जाने का। वीकेंड पे जाते हैं या फिर संडे वगैरह हो तो तब, अदरवाइज़ तो नहीं निकलते। तो आज वो कहते चलो लाहौर में, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है कि लोग बाहर अफ्तारी करते हैं, बाहर ज़्यादा घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस्लामाबाद में इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है। सब लोग ज़्यादातर अपने जो है प्रेफर करते हैं कि घरों पर ही अफ्तारी वगैरह करें। अभी भी हम वहाँ पर गए थे तो ख़ास जो है कोई लोग वगैरह नहीं थे, बस दो तीन फैमिलीज़ थी, बल्कि एक हमारी फैमिली थी, बस एक और फैमिली थी, तो दो तीन बस फैमिलीज थी, इसके अलावा कोई नहीं था। लाहौर में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बाहर लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अफ्तारी का है कि बाहर करते हैं लोग, बड़ा इंजॉय करते हैं। इस्लामाबाद इस लिहाज से एक खामोश सा पुरसकून सा शहर है। आज की मेरी वीडियो यहीं पर थी, बहुत दिनों के बाद हम फैमिली के साथ बाहर गए थे, इंजॉय किया। खूब अपना रखे गए, ढेर सा ख्याल, टेक केयर।